अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको हर तरह की बीमारी और परेशानियों से दूर रखे। आमीन सुम्मा आमीन। 3-4 दिन से मैं बीमार थी, आपके साथ वीडियो में शेयर नहीं कर सकी। आज बेटर मिलकर चलिए आपके साथ वीडियो शेयर करती हूँ। तुर्की स्टाइल में सूप की रेसिपी आपके साथ शेयर करती हूँ। हमने ये चिकन ले लिया, 1 टीस्पून नमक ले लिया, ब्लैक पेपर ले लिया, साबुत लहसुन और हरी मिर्चें ले लिया। चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। हमने एक पतीला ले लिया, इसमें हम चिकन डालेंगे, लहसुन और हरी मिर्चें डाल देंगे, इसमें ब्लैक पेपर डालेंगे, इसमें 1 टीस्पून नमक डालेंगे इसमें, और इसमें हम 3 ग्लास पानी डालेंगे। अब इसको हम कवर करके 25 से 30 मिनट तक चिकन को हम अच्छे से पका लेंगे। रेडी हो गया, इसमें से हम चिकन निकाल लेंगे। इसमें से हमने चिकन निकाल ली, अब इसको हम यखनी को छान लेंगे। अब हमने पतीला ले लिया, इसमें हम कुकिंग ऑयल डालेंगे। हमने इसमें थोड़ा सा कुकिंग ऑयल लिया, अब इसमें हम बटर डालेंगे और इसको हम मेल्ट होने देंगे। ये मेल्ट हो गया, अब ये प्याज कटा हुआ इस तरह से हमने कट कर लिया, ये डाल देंगे इसमें। साथ में इसके हम हरी मिर्ची डाल देंगे, इस तरह से हमने कट कर लिया। इसको हम हल्का से सौते कर लेंगे। इसको हमने सौते कर लिया, अब इसमें हम शिमला मिर्च डालेंगे, गाजर डालेंगे साथ में इसके, और इसको फ्राई कर लेंगे हल्का सा। तो हमें फ्राई कर लिया, अब इसमें हम 1 टेबल स्पून मैदा डालेंगे और इसको अच्छे से मिला लेंगे, और 1 मिनट तक इसको हमने पका लेना है। इसका हमने कच्चापन दूर करना है। थोड़ी सी इसमें हम पपरिका पाउडर डालेंगे, क्यूब्स डालेंगे इसमें, 1 टीस्पून इसमें हम ब्लैक पेपर पीसे डालेंगे, थोड़ा सा इसमें हम नमक डालेंगे, 1/2 टीस्पून इसमें हम सिरका डालेंगे, 1 टेबलस्पून सोया सॉस डालेंगे, 1 टेबलस्पून चिली सॉस डालेंगे इसमें, 2 टेबलस्पून इसमें हम केचप डालेंगे, और इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। हमने यखनी चाहनी थी वो अब इसमें हम डालेंगे। अब इसको कवर करके इसको हम बॉईल होने देंगे। बॉईल हो गया, अब इसमें हम स्पैगेटी डालेंगे। और इसको हम अच्छे से हिला लेंगे। अब इसको कवर करके स्पैगेटी को पकने देंगे। स्पैगेटी रेडी हो गई है, पक गई है। अब इसमें हम चिकन डालेंगे जो हमने शेरेड कर लिए थे, और इसको हम हिला लेंगे। कॉर्नफ्लोर डालेंगे, हमने 1 कप पानी लिया, उसमें 4 टेबलस्पून हमने कॉर्नफ्लोर डाला है, और इसको हमने अच्छे से मिक्स कर लिया। अब इसमें हम डाल लेंगे और साथ साथ हम इसको हिलाते रहेंगे। इसको हम अच्छे से हिलाते रहेंगे।
हमने एक अंडा ले लिया और उसको हमने फेंट लिया। अब इसमें हम डाल लेंगे अंडे को। एक मिनट तक हमने इसको हिलाना नहीं है। अब हम इसको हिला लेंगे। थोड़ा सा इसमें हरा प्याज डालेंगे। दो मिनट इसको हम कवर करके रखेंगे। तो मैं आपको इसकी फाइनल लुक दिखाऊंगी। देखिए तुर्किशी स्टाइल सूप रेडी हो गया। बहुत ही मज़े का बना है। आप भी ट्राई करना। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर करें फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ। चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं ना किया सब्सक्राइब करें। जज़ाकल्लाह अल्लाह हाफिज़।